झांजा जोगड़ा बनाया राजे वल्लों रोक नमाए राजे वल्लों रोक नमाए मौला मेल कराया माए इस राझे दे नैन कटोरे बाजा वांगर लेंदे डोरे इस राझे दे नैन कटोरे बाजा वांगर लेंदे डोरे मेरे सीने अंदर बसता है मेरे रांझण जोगी मैं जुगयानी उस दी खातिर भरसा पानी रांझण जोगी मैं जुगयानी उस दी खातिर भरसा पानी मेरे सीने अंदर बसता है मेरे लूलू दे विच रचता है मैं रब दा शुक्र मनावा घराने से शुजात अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक बहुत बहुत ईद मुबारक आपको क्या खूबसूरत गाना बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपने बिठाई हैं यहाँ एंड मेरे सब बड़े हैं सीनियर हैं लाइक लेकिन आपका काम बहुत बड़ा है आई एम ऑनर्ड टू बी हियर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जी थैंक यू सो मच बोल और ये कंपोजिशन बहुत मजेदार थी एक बात मैं कहूं कि जी 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 जरूर हम सब की तरफ से सिवाय दोनों के आप लोगों ने हमें यहाँ पे बेइज्जत करने बुलाया जो गाने गवाए हमसे क्यों है ना उसके बाद ही टिकट लगाई हमारे लेकिन देखिए हम चाहते थे आप उस्ताद साहब हैं हमारे साथ आप उनकी प्रेजेंस में कुछ गाएं कोई इस्लाह हो कुछ यहाँ से सीख कर जाएं मतलब माफी मांग के जाते हैं
कोई कोई सीख कर जाए. नहीं नहीं बड़ा मजा आ रहा है हमें. और मैं तो हम लोग जो है देख रहे थे कि क्या रॉक कॉम्पोजिशन उसके साथ इतना खूबसूरत जो है ना इसका मिक्स बहुत किसकी कॉम्पोजिशन है. बेसिकली ये साजी अली बहुत मशहूर आजकल कंपोजर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी ये कंपोजिशन है. अच्छा तो कामरान अख्तर साहब ने इसको म्यूजिक इसका अरेंज किया. आपका माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़ा किलर कॉम्बिनेशन है कामरान का. मुझे लगता है वो थोड़ा सा ना ब्लेस्ड भी है जी. बस ये अल्लाह का करम है घराने से जिनका ताल्लुक हो. अच्छा एक सवाल जो मैं हमेशा करती हूँ मेरे पास जब भी उस्ताद आते हैं आप लोग अपनी फील्ड के माशाल्लाह उस्ताद हैं कि पहले काम में आप अपने आप को जूनियर्स में शामिल करेंगे न्यू कमर्स. यस तो मुझे कोई भाई ना कहे पहले जो काम होता था जिस तरह लिखा जाता था जितनी मेहनत होती थी और आजकल जो काम हो रहा है उसमें आपको क्या फर्क लगता है. हर दौर में काम बदलता रहता है एक जगह ठहरता नहीं है. जो हमारा दौर था हम उसे बेहतर समझते हैं. अब ये बच्चे हैं माशाल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे ये अपने काम के माहिर हैं. जो काम ये कर रहे हैं हमसे नहीं हो सकता. और हमारी ये प्रॉब्लम है इस पूरी कौम की कि जो काम हमसे नहीं होता हम उसे बुरा कहते हैं. बच्चे ने जो काम किया है मुझसे नहीं होगा तो मैं कहूँगा यार ये मजा नहीं है. अल्लाह ने उसको इतना अच्छा टैलेंट दिया. लेकिन सर आप बड़े हैं और आप इंस्पिरेशन हैं हम सब के. हमारे पास दो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं. वरना पता नहीं ये कैसे लोग होते हैं सुनी सुनाई बातें जो होती है ना. मैंने ऐसा सुना है अक्सर कुछ मेरे पास ऐसे गेस्ट आए हैं जो कहते हैं जो जूनियर्स होते हैं तो कहते हैं ये पहले भी कह चुके सीनियर्स हमें सिखाते नहीं सीनियर्स हमें इन्वॉल्व नहीं करते ठीक है वो जो है हमें टाइम नहीं देते और फिर वो हमें हम पे तनकीद भी करते हैं. और जो सीनियर्स है वो कहते हैं नए बच्चों में ना पेशेंस है ना वो सीखना चाहते हैं ना वो टाइम का सेट पे आते हैं वो इज्जत नहीं करते ये ना काम की इज्जत करते हैं ना उस्ताद की इज्जत. बिल्कुल देखिए सच्चाई किस बात में नूर आप बताए. अच्छा मुझे ब्रॉट अप पे ये तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं. लोग आते हैं अब फेम के लिए. देखिए जिसने सीखना होता है ना मेरा ये ख्याल है जिसने सीखना होता है चाहे उस्ताद का दर बंद भी होगा वो खटखटा के जिद से वो सीख लेगा. लेकिन जिसने एक बहाना मारना होता है ना कि अच्छा मैंने ट्राई की और कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं है. अब ये भी मतलब माशाल्लाह तो घराने में पैदा हुए हैं लेकिन इनको भी इनके बड़ों ने मतलब डांट डपट के मतलब सिखाया है बकायदा. मैं शुजात के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि ये बड़े मुश्किल गाने बड़े प्यार से गा लेते हैं और ये बहुत मुश्किल काम है. तो ये आपने ये म्यूजिक सुना उसके अंदर हम लोग को मतलब जितने नए सिंगर्स हैं माशाल्लाह की वो जिन्होंने क्लासिकल प्रॉपर एक सीखा हुआ है. मैं नए पॉप सिंगर्स को देखती हूँ बड़े फखर से कहते हैं जी हमने तो किसी से नहीं सीखा. तो ये कोई फखर की बात नहीं है. हमने तो इंटरनेट से सीखा है. आपको हमने तो इंटरनेट से सीखा है. हमने तो कीज भी वहीं से देखी. गिटार बजाना भी उधर से ही सीखा. मुझे लगता है सीनियर्स का कसूर नहीं है. जो जूनियर्स हैं उनको इतना झुकाव होना चाहिए कि वो जाके उनसे सीखे. तो आप क्या कहेंगे आप लोगों ने भी अपने सीनियर्स के साथ काम किया है तो ये जो ऑलवेज रिस्पेक्टेड तो ये कब कभी कोई ऐसा सीनियर नहीं मिला जिसमें एटीट्यूड हो बच्चे बहुत होते हैं दो दिन के बच्चे हो काम करो होते बिल्कुल होते हैं होते हैं और क्यों ना उनमें क्यों ना नहीं क्यों हो क्यों सीनियर्स में एटीट्यूड क्यों ना उनका काम है उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने 20-30 साल लगाए हैं. अच्छा लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे शुरू में होता था सबसे ये वो लेकिन मुझे लगता है जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना तो सीनियर हो ही नहीं सकता आपकी इज्जत ना. बिल्कुल अगर आप खुद एटीट्यूड दिखाएंगे ना आप कहेंगे कि जी मैं एक बंदे ने इतना 20-30 साल काम किया यार उसको इतना तो आप बिल्कुल अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं. तो मेरा नहीं ख्याल हमारे भी इंडस्ट्री में टफ टाइम कॉम्पिटिशन में होता था जो हमारा कॉम्पिटिशन होता था लेकिन जो सीनियर है उन्होंने हमेशा प्यार किया सिखाया ही है. लेकिन मुझे होस्टिंग में भी ये बात मैंने अक्सर सुना वो बड़ी बात है आपको पूरा टाइम दे के वो चले गए ना बड़ी बात है वो एंड तक बैठ के. और या फिर जो वो कुछ होस्ट इस तरह के होते हैं वो बिल्कुल मेज़बानी के सारे रूल्स ही भूल जाते हैं. मैं नाम नहीं लूँगी बुला बुला के जलील करें अपने शो में. तो मुझे कि दोनों बातें नहीं समझ आती. मतलब इंसान को जितनी भी कामयाबी दे अल्लाह नवाजता है किसी को ज़्यादा किसी को कम उसका सब्र शुक्र करना चाहिए पर वो एटीट्यूड या वो ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते ऐसे लोग जिनका ज़्यादा ऐसा एटीट्यूड ना. अब जैसे आप देखें हमारे सब ने लेवल लेजेंड बैठे हैं हमें गाना गाने दे रहे हैं. मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ मतलब ऐसे तो मैंने इनका इंटरव्यू भी किया एंड आई हैड द प्रिविलेज कि मैंने इनसे बड़ी मज़ेदार बातें भी की. हम पीछे खड़े हुए थे जब तो एक स्विच ऑफ हो गया ना लाइट वो चली गई. मुझे स्विच से डर लगता है तो उन्होंने कोई वो नहीं समझा एकदम से झुक के इन्होंने वो स्विच को ठीक करना दो तीन दफा और
फिर मैंने कहा अल्लाह ताला बस यही भाग लगे हुए हैं भाई, ये जो उनका बड़ापन है, वरना अगर मेरे साथ कोई जूनियर खड़ा होता जो नए बच्चे हैं तो उन्होंने यही कहना था कि इससे हुआ है तो मैं क्यों करूं, ये वाला एटीट्यूड ना, उन्होंने कहना तो हो गया ना। अच्छा, मतलब मैं खुद भी नहीं हो रही थी, मुझे तो खैर वो करंट से डर लगता था, लेकिन जब वो झुके तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपने आप में, मैंने कहा मुझे डूब के मर जाना चाहिए, कि मुझे खुद ये फिक्स करना चाहिए था, बट बड़े लोग हैं और बड़े लोग ऐसे बड़े लोग नहीं बनते। नहीं, बहुत बहुत आपने प्यारी बात की, और मेरी दुआ होती है हमेशा सब लोगों के लिए। मैं वैसे एक बात आप लोगों को सच्चे से बताऊं, मेरे शो पे जितने लोग आए एक दो, हाँ बहुत अरसा हो गया, लेकिन डेढ़ साल हो गया माशाल्लाह, जितने आए एक भी मुझे ऐसा जो है वो इंसान नहीं मिला जिनके बारे में मैंने बुरा भी सुना था, लेकिन वो इतने अच्छे थे माशाल्लाह, और वो इतने इखलाक से मिले, और अल्लाह ताला फिर जो अभी तक हैं जो नज़र आ रहे हैं उन्हें इज्जत किसी वजह से ही देता है, तो माशाल्लाह ये। अच्छा, वापस जो एक्टिविटी पे आते हैं, मैंने तारीफें कर दी थी, लेकिन एक फूल है मेरे पास, वो भी कब बता रहा हूँ अब तो वो पहले फूल है मेरे पास, नहीं ठीक है। और आप जो है इस ये कॉम्पिटिशन है आप में और आपकी बेगम में, और हमारे पास जो दूसरा यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ऑन स्क्रीन कपल जो आया, बड़ा नाप तोल के ना सवाल जो है ना, जब तो अब आपने करना ये है कि खूबसूरत से प्रपोजल की जो है ना मिसाल कायम करनी है। आ जाइए जी, प्रपोजल पहले हमें बकरी, लेकिन वो है नहीं, वो बच गई है, नहीं यहाँ पे, वो है नहीं ना यहाँ पे, मैं क्या करूँ, दो भी कपड़े, हाँ पीछे से ना अच्छा सा रोमांटिक सा म्यूजिक, हाँ चल फिर क्या है आपसे, क्या कह दूं, कहने मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं हर किसी चाहता कि आप वेट पुट ऑन करें, आगे जाएं, कोई गंदा उल्टा सीधा चिकन खाएं, कोई मटन खाएं, तो नान शान और ये ऐसी चीजें, हलीम, मैं सिर्फ ये चाहूंगा आपको, मैं प्रपोज करने आया हूँ, I just want to see like this. और आज के बाद हम सिर्फ सब्जी खाएंगे। नूर इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस। ये गोभी मुझे चाहिए थी एक्चुअली, गोश्त में डालनी थी। ये तो बड़ी आसान एक्सेप्टेंस थी जी। नहीं जी, अभी आपकी बारी है। मैं अपनी छोटी सी बेगम को दे देता हूँ। चलें जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, आज मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज रखी हैं आपके लिए, एक यूनिक एक्टिविटी जो आपने कभी किसी शो पे पहले नहीं देखी होगी, ठीक है, ठीक है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ ना। करना ये है कि हम डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही हम तीन टीम हैं, ठीक है, मैं जज बन जाऊंगी, और इसके ना आई डोंट वांट टू बी बट व्हाट कैन आई डू, इसके अंदर जो है इन सारे डब्बों में बड़ी जहरीली सांस थी जिसकी, इन डब्बों में कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, करना ये है आपने कि आपने छुपके से देख लेना है कि अंदर क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी टीम को बताना है कि वो क्या है, उसका नाम लिए बगैर, श्योर है कि ये और, गेम और, किसी और, नहीं नहीं वेट वेट, अभी बहुत नया है ये, आगे बहुत नया, आगे 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 सुने, ठीक है, आपकी टीम ने गेस करना है कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकती हैं या आप वही भी बता सकती हैं, पॉइंट ये है कि आपकी टीम ने गेस करना है कि आप सच बता रही हैं कि झूठ बता रही हैं। अच्छा, जो भी मैं जो भी आप बताएंगी, ओके ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई, आ जाएं, हां फिर बड़े याद आए ना, चलो आ जाएं, आप तीन हैं, आई हैव टू टेल देम, आप तीन हैं, मैं भी इधर, मैं समझ लूं आपकी टीम को, चल अच्छा आपको बताना है ना ये सब, हम सब नहीं नहीं हमें बताना, ठीक है, अब हम ओके, तो इस डब्बे के अंदर ना देयर इज अ कैमल, लाइक अ वुडन कैमल जो डेकोरेशन के लिए होता है, और बस और क्या बोलना भी है, इशारों से नहीं करना था क्या, नहीं वी जस्ट हैव टू टेल वो सच बोल रही है, तो वो ऊंट है इसके अंदर एक, और वो लकड़ी का ऊंट है फॉर डेकोरेशन, झूठ बोल रही है, मुझे तो लगता है सच बोल रही है, तो वैसे आपको क्या लगता है, झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, मैं तो बहुत अच्छी, मुझे झूठ नहीं लगता, झूठ नहीं लगता, वो लगता सच बोल रही है, झूठ है, अगर हम सही हुए ना तो ये कनेक्शन जो है ना प्रॉब्लम है, ये फिर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सच बोल रही है, तो वैसे आपको क्या लगता है, दो लोगों का वोट है कि सच बोल रही है, आपको लगता है तो इसका मतलब हम जाएंगे विद सच, अब हमें निकाल के दिखा देंगे, सच करके दिखा देंगे, लकड़ का ऊंट, एक पॉइंट हमारे लिए क्योंकि मेजॉरिटी ये थी, आप लोग बैठ के अपने कनेक्शन पे काम करें जब हम वापस आएंगे, अच्छा देखना नहीं, मैं तो झूठ बोलने में बहुत बुरी हूं, हां
ठीक है, नजर भी नहीं आएगा. ओके जी, मैं इनका साथ नहीं दूंगी. अंदर वो बच्चों के नहीं खेलने वाली जो गाड़ी होती है वो है. आपको लगता है सच बोल रही हूँ? सच लग, आपको भी लग रहा है? सच ही लग रहा है. मासूम आदमी है ये. निकाल के दिखाएं और उसी से फायरिंग करें इनके ऊपर. नूर ने बहुत कन्विंसिंगली झूठ बोला रे. बहुत कन्विंसिंग झूठ था. आ जाए जी, आपका कनेक्शन टेस्ट करते हैं. होपफुली सही हो. ब्लफ मास्टर. अच्छा अच्छा, तो वो तुम थी. मैं भी सामने जाऊं ना, मैं गेस्ट. स्टूडियो का स्टूड में तलत सा भाग गया. स्टूडियो के अंदर माइक होता है ना. और एश्रे स्टूडियो में, हमारे स्टूडियो में ना, हमारे स्टूडियो में ऐसी चीजें नहीं. इसमें एश्रे नहीं है. नहीं है? नहीं, एश्रे नहीं है. आप क्या कहती हैं? जो ये कहती है मैं वो कहती हूँ. अतुल्ला साहब आप क्या कहते हैं, सच बोल रहे झूठ? माइक है मेरा ख्याल. इसमें माइक है. आप क्या कहती हैं, उसमें एश्रे के माइक है? नहीं नहीं, माइक एश्रे की तो बात ही नहीं, वो गेम ही गलत खेल रहा है. वो झूठ कह रहा है, बहुत काम बोले, वो जो भी कह रहा है टाइम दे रही है बहुत ज्यादा. गलत गेम का सही है. सर ये बताए, वो जो भी बोल रहा है एश्रे या माइक, सच बोल रहे झूठ? एश्रे नहीं है. माइक है? नहीं नहीं, झूठ बोल, झूठ बोल रहे. झूठ बोल. अतुल्ला साहब कह रहे हैं माइक है. माइक है. अतुल्ला साहब ने सही कहा, माइक है इसमें. दिखाएं दिखाएं. और ये क्योंकि मैं ऊपर से देखे तो ये एश्रे ही बन रही है. अब ये मैं कहूंगी, मैं कहूंगी ये जो इस वक्त कनेक्शन है ये बहुत फेल्ड कनेक्शन. ये बहुत फेल्ड कनेक्शन. मुझे ऊपर से सिर्फ यही नजर आ रहा था ना. ये बहुत नहीं नहीं, माइक भी तुमने गेस नहीं किया. माइक तुम गाइस, मैंने बोला ना माइक. अभी तक स्कोर क्या है? यू कैन इवन लाई अबाउट स्कोर. क्या है पता है आप लोगों को? 1-1-0 है इधर. गलत गेस किया था ना मैंने. आज कुछ थकाने वाली चीज है. कैमरे की तरफ. इधर आवाज भी चली जाती है. यू कैन चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं. इट्स अ कप इन देयर. सच कह रहे कप. तुसे की कह रहे? सच कह रहे. सच कह रहे. ये अब ये एतमाद लग रहा है कि हम गलत हो गए. 1-1 हो गया जी. 1-1 हो गया. मैंने वैसे मोमे को खुश बोलते हुए अगर इससे पता लगा कि सच ही कहेगा. करो करो. या सर आप गेस कराना चाहिए? नहीं करो करो. मैं करूं? अच्छा. अच्छा, इसके अंदर डॉल है जिसके मुंह में एक फिगर भी है. जैसे गुड्डी नहीं होती, वो छोटी वाली गंजी वाली वो वाली चकचकी तो अच्छी होती है ना. वो हमारी हमारी देसी वाली. हमारा देसी वाला जो वो गुड्डा नहीं होता. अगली वाली गोला. सही कह. आई थिंक यू आर नॉट लाइंग. आई एम नॉट लाइंग. सच बोल रही. हम कह सकते हैं कुछ? आई थिंक शी इज लाइंग. ऐसा करते हैं जो टीम सही बताएगी उनको पॉइंट. शी इज नॉट. ठीक है. आई थिंक शी इज नॉट. शी इज नॉट. आई एम नॉट लाइंग. मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता. अल्लाह अल्लाह. इस्लाम यही जागा तुम्हारा. वहां पे जाग गया. आपको क्या लगता है? देखिए इसका इसका जवाब मैंने दिया. गुड़िया लेकिन बदसूरत नहीं है. सर आप बताएं. वो कह रहे गुड़ी है. सच बोल रही हूं मैं. झूठ. हां जी बताइए. झूठ झूठ. आप झूठ. मुझे सच लग रहा है. मुझे भी सच. सच है. हमारी टीम यहाँ पे चार लोगों को लग रहा है कि सच. हम तो लग रहे हैं झूठ. तो अपने प्रोफेशन में तो हो गई मैं कामयाब. जी बात रहे हम मासूम लोग हैं. नहीं नहीं, हम तो एक्टर नहीं हैं, हम डायरेक्टर भी हैं. ये पॉइंट. हां ये पॉइंट है. ग्रेट एक्सप्रेशन. ये पॉइंट लेकिन इस टीम को जाता है. हां ठीक है. आपने भी यही करना है. ये तो सच बोलेंगे. ये इतने सच्चे लगते हैं. इतने सच्चे लगते हैं. ये घराना है. मासूम में ना जाए. अच्छा जी. कितनी मासूम शक्ल बनाई ना. इसमें एक बड़ी प्यार भरी चीज है. हमें देख रहे हैं. अच्छा अच्छा. मैं देख रहा हूँ. प्यार भरी चीज है जो आप
अक्सर अपने महबूब को दे भी सकते हैं। इसमें एक टेडी बियर है। टेडी बियर? टेडी बियर। मुझे तो सच लग रहा है। सच बोल। मुझे सच लग रहा है। I think Sacha. He's lying. I think he's lying. I don't think he's lying. Sach. 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 क्या है? इसमें एक teddy bear है. भालू है. छोटा खेलने वाला. Teddy bear ही होगा यार. बोल ना. आप कहते हैं तो फिर ठीक ही है. ये तो सच लग रहा है. सच लग रहा है. हाँ. चलें एक बंदा कह रहा है झूठ लग रहा है. आप क्या कह रहे हैं? नहीं आपको उनके साथ agree करना होगा. नहीं नहीं ऐसी नहीं. Team team में दो लोग हैं. Team में दो लोग हैं. उनकी अपनी opinion है. आप तो guess करा रहे हैं ना? अच्छा मैं आपकी टीम लग रहा है। मैं आपकी टीम में होके कहती हूँ मुझे तो झूठ लग सच है मैं झूठ आप भी कहो सच झूठ है झूठ है पहले कहने सच है मैं आपकी टीम में हूँ मैं कहती हूँ झूठ नहीं ना मैं भी आपकी टीम में ना हम तो झूठ सच है ये पॉइंट आपका हुआ ये पॉइंट आपका हुआ ये भाई हेलो 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 ये वहाँ पॉइंट हो गया मैं आपकी टीम में अजीब अजीब हो गई तो मैं वो थर्ड एम्पायर बनी बिका हुआ थर्ड एम्पायर मैंने मैंने कई मासूम चेहरों से इतने धोखे खाए हैं कि मुझे सही खाया उनके सच पे भी झूठ ही लगता है ये राउंड जो है हम दोनों टीम्स को कंग्रेचुलेशन कहते हैं बहुत अच्छा खेला आपने जबरदस्त एक एक्टिविटी आप जब यहाँ पे बड़ी बात हो गई बॉलिंग पे वो दोनों और मैं बैट के बगैर चला गया अच्छा जी एक एक्टिविटी आपकी गैर मौजूदगी में हुई थी बहुत अच्छी की इन्होंने आपके हस्बैंड जो है गवाह हैं इसके अब आपने ये करना है कि आपने इस खूबसूरत से फूल से अपनी बेगम को प्रपोज करना है ठीक है आ जाइए आगे आइए ठीक है ऐसा ना बेहतरीन से जवाब हम उल्टा क्यों ना करें उन्होंने तो कर लिया ना ये आपकी मर्जी है ये आपकी मर्जी है उनकी परफॉर्मेंस हमने देख ली डोंट पुट योर बर्डन ऑन मी नो यू आर डूइंग इट असल में क्या था असल में क्या था कोई सीन ही नहीं है असल में प्रपोज नहीं किया था आज ये प्रपोजल हो जाए ढेर सारी तालियों में आज आज हम असली वाला जवाब भी सुन बहुत बुरा प्रपोजल आने वाला है ओए मेरी बात से कह रहा है बहुत बुरा है गोभी द फूली मार इससे बुरा क्या आएगा ये ले ये बेहतर होगा वो एक एक फूल गोभी है दमार की जगह सुन ये आदमी आया कहां से बेगम 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 ऑलरेडी अभी नहीं है अभी नहीं है अच्छा होने वाली हां हां अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है होने वाली बेगम ही ए हसीन लड़की सुनो सुनो वो तुम्हें पता है ना हम मीडिया में काम करते हैं वो तो करते हैं तो हमारे चेक्स अक्सर बाउंस हो जाते हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बर्थडे आ रही थी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रेजेंट लूं ओके चेक आया नहीं मैंने करीबी एक रखा हुआ प्रेजेंट तुम्हारे लिए लिया है ओके और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि आई लव यू Very इस बात पे चमाट जरूर बनता है। I really like कच्ची गोभी so I'll take it. Thank you, sir. Thank you. मान लिया? हाँ। I like गोभी। खा भी नहीं है। खा भी नहीं गोभी। I like it. तालियों और जेंडिंग। अच्छा। इन दोनों का प्रपोजल देखा आपने? ठीक है? Decide हम ऐसे करेंगे कि जिसके लिए ज़्यादा तालियाँ होती, वो विनर। हम बजा लेते हैं उनके लिए पहले। सबसे पहले जी। ये वाली बड़ी जोरदार ताली। ओए ज़्यादा बजाओ, 5 रुपए ज़्यादा दूँगा। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर आप क्या कहते हैं? I think it's them. सर किसकी मोहब्बत में ज़्यादा जज्बा था? देखिए हम एक्टिंग कर रहे थे, ये तो मियां बीवी है, रोज़ एक दूसरे यही बातें कर रहे हैं। रोज़ गोभी का फूल। ये हम सर से पूछेंगे, सर किसकी मोहब्बत में ज़्यादा जज्बा था? हम तो कैरेक्टर कर रहे थे ना, हम तो एक्ट कर रहे थे। उनकी एक्टिंग में ज्यादा पावर थी। एक्टिंग में ज्यादा सूरी सूरी जी नहीं आई वुड गो विद देम बिकॉज़ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ दिस डजंट गो विद अस दैट इज सो क्यूट लेकिन दोनों का बहुत क्यूट प्रपोजल था आपका जो है प्रपोज क्यों प्रपोज नहीं किया था पहले आप मुझे सब मैं नहीं इसका जवाब हम अभी छोटी सी ब्रेक एकदम सामने आ गई ओह यस ईद मिलन में एक बार
बार फिर खुश आमदीद। अगली जो मैं एक्टिविटी कराने जा रही हूँ, देखिए मैंने बातें आप लोगों से कोई नहीं की, नहीं लेकिन मस्त है कि आपने बहुत अच्छा शो किया, एंजॉय किया है। थैंक यू। आप लोग बहुत सारे डिफरेंट शोज में जाते हैं और बोर हो जाते हैं, बिल्कुल बोर नहीं हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं आगे भी नहीं होने दूंगी, मेरी जो एक्टिविटी ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है इन रियल लाइफ ऑन शो अदरवाइज। ओके ठीक है, अंग्रेजी में नू डम श्रेड्स कहने हैं, ठीक है, और बाकी सारी जुबानों में मैं समझा देती हूँ। वो ये है कि मेरे पास कुछ पुरानी मूवीज के नाम है, कुछ वैसे ही डायलॉग्स लिखे हुए हैं, फनी हूँ ना मैं, पता है मुझे आ रही, ठीक है, बहुत सारे जो है नाम लिखे हुए। ये एक टीम हो गई, ये एक टीम हो गई। अच्छा मैं इसलिए टीम्स का कह रही थी कि जो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज्यादा जल्दी गेस करवा सकेगा ना। ठीक है, वो एक टीम हो, ठीक है जी, ओके जी, क्या इधर भी नजर आ रही, ठीक है जी, पहले ही आ गया, कोशिश करना गेस कर। पंजाबी फिल्म मौला जट, ये इन्होंने इधर चीटिंग की है, दो वर्ड शरीफ बदवान, यही कितने की नजर आ रहे हैं, नजर आ रही है जी, इतनी अच्छी एक्टिंग आ जाए जी सर। कंफ्यूज भी तो करे ना, पत्थर रास्ते का पत्थर, अभी तक बराबर जा रहा है, आ जाए जी जी, अब तो नहीं नजर आया ना किसी को, मुश्किल है मुझे, मैं वेरी बैड एट इट, बट शो इट टू अस एज वेल ना प्लीज। हां ठीक है, मैं डिसाइड करती हूं, थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड में, मेरे बोलना नहीं बोलना, मेरे अंदर दिल, कंफ्यूज करो ना, ये दिल आपका हुआ, जा रहे हैं जा रहे हैं, दिल गिरा, ये क्या है, मैं क्या है, हम तुम, हम 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 तुम, हम असी, ये दुनिया, ये महफिल, ये महफिल, इट गेट, ये शो, पुम्बा, ये शो, ये शो, मैं तुम, एक्टर, फनकार, दुनिया, पूरी दुनिया, दुनिया हसीनों का मेला, अबे छोड़ो यार अपने हुए पर आए, हां हां इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, कुछ पराया नहीं था, कुछ सब खुदा है ना, वो पहला पराया क्या करूं, हां ऐसे ही होता ना पराया, सर आप गेस करवाएंगे, आप करोगे, मैं सर ने अपनी सारी ड्यूटी ना मुझे दे दी है, मैं सबसे साथ बट यू हैव टू डू अ गुड जॉब, ये कैसे है, अभी तो 2 मिनट के लिए मैं होस्टिंग कर रही थी ना, यही पढ़ लिया था भाई, नहीं ना नहीं ना, बहुत अच्छा, तीन वर्ड्स, नहीं दो वर्ड, इंग्लिश पहला वर्ड, इंग्लिश दोनों इंग्लिश, गन्स एंड रोजेस, पाकिस्तानी 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 चांद की फिल्म भाई, वर्ड यूनिवर्स, छोटा सिटी, पाकिस्तान, स्टेट, चलो हिंट हम आपको दे रहे, इंग्लिश वर्ड है, आई नो, अस, सराउंडिंग, क्या होते हैं हम सारे लोग, कैसे यार, उसका पोस्टर कुछ ऐसा था, उसका आईडी, हाँ उसका पोस्टर, हाथ ऊपर करें, लेडी सोसाइटी, लेडी सोसाइटी, वुमेन सोसाइटी, ये मूवी कैसे नहीं देखी, इसका पोस्टर पाकिस्तानी Yes, yes, society girl. Very good. Shut up.
मैंने ये इशारा कर दिया, मैंने ये इशारा कर दिया, मैंने ये इशारा कर दिया, ये गर्ल है और ये गर्ल नहीं है। गुड गुड, उधर ऑडियंस और सोसाइटी गेस्ट किया था, वेरी वेल। बट वी गेस्ट, अच्छा जी आजी आइए आइए, मेरा तो ये काम नहीं, आपका सब काम है बच्चे। मैं थक गई है गेस्ट करके, इसलिए बस हो गया। अजय जी दोनों टीम्स हेल्प करेंगी, ठीक है? पहले तो मेरा ये काम नहीं है, मैं देखो अभी इसमें साइज बट मैं ट्राई करता हूं। गेम है, गेम है, कितने लव्स हैं? चार लव्स हैं, चार लव्स, चार लव्स, ठीक ठीक पाकिस्तानी फिल्म, फिल्म बना, हां हां पाकिस्तानी। नेम, नेम बोलना नहीं, बोलना नहीं, हम हां बोलना नहीं, मैं, हमारी नींद भाग गई है, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। उर्दू सलीस उड़ने जैसे मैंने सोसाइटी गर्ल की। लेकिन इस बात पे हमको दाद है, सीरियसली वेरी गुड, आई एम गोइंग टू देंगे, मैंने कहा सो क्या, हाउ एम आई गोना डू इट, ये कम्युनिकेशन विद हस्बैंड, सी इट्स दो दो बोलना है, ये कोई नहीं कर सकता, ये इसके बाद नूर, इसके बाद नूर करवाएगी, नहीं कर पाऊंगी तो मैं कर रही, ठीक है, बताना नहीं है, दो है और उर्दू के वर्ड, अगर मगर बोलना नहीं, बोलना अगर मगर, मगर मगर यही था, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब मेरी उनकी नहीं आनी बात, नहीं अब आपकी आएगी ना, शातिर हां मैं समझ गया, ऐसे रख यही बड़े, अच्छा जी थ्री वर्ड है, मुझे भी दिखा दे, मैं जस्ट भी वो यस दीवानी, मैं नशे में हूं, मस्तानी, दिस इज द थर्ड, थर्ड वर्ड है मस्तानी, थर्ड पाकिस्तानी फिल्म, हाँ पाकिस्तान, दिल मस्तानी, मैं इसका मैं साथ मेरा लव, तुम तुम्हारा, मेरा दिल मस्तानी, हमारा मेरा दिल मस्ताना, अच्छा चलो हमारा जहां मस्ताना, लड़की मस्तानी, सपोज अगर हम हीरो हीरोइन है तो ये क्या होगा, मेरा हीरो प्यार मेरा दीवाना, प्यार मेरा मस्ताना, प्यार मेरा ये भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, और ये अगर कुछ मिन मिनाए ना, नहीं दिल तुम्हारा, मोहब्बत, मोहब्बत वो मैं भूल ही गया, वाह वाह वाह, मोहब्बत सोच, मोहब्बत जहान दुनिया, पहला वर्ड मोहब्बत है, ठीक है, ठीक, ये वर्ड कैसे समझाऊं, हाँ हाँ बोल दे, नहीं नहीं डू इट, डू इट, डू इट, हाँ कर रहा हूँ लेकिन समझाऊं कैसे, अरे इतनी क्यूट है, चीटिंग नहीं करनी है ना, नहीं नहीं मेरे तुम्हारी मोहब्बत, मोहब्बत प्यार, बीवी, बीवी मेरा बच्चा, बीवी माँ, क्या है वो तुम्हारा, मेरा बेटा, वो बच्चा तुम्हारा क्या है, मेटाफोरिकली क्या है वो, he's my son, अरे मेटाफोर, और जज्बात, जज्बात मजीद, मजीद जज्बात, और जज्बात लेकर आए, मर्द जज्बात भी थोड़े से ले आओ, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मोहब्बत इट्स अ फिल्म राइट, मोहब्बत मेरी नसों में, वो तो बात है, ये हीरोइन की तो बाहर निकाल, उधर उधर गेस करवाए, तीसरा वर्ड बताओ, तीसरा तो वो है ना, मोहब्बत जाए, मोहब्बत जाए भाड़ में, नहीं ऐसे क्यों कर रही है, तीन वर्ड है मुझे लगता है, मोहब्बत नहीं चाहिए, गेस, हां मोहब्बत, ये सर को गेस करा दो, बच्चा, दूसरा लव्स, हां मोहब्बत जिंदगी है, अबे तो ये
तो तुम्हारा बच्चा क्या है, तुम्हारी जिंदगी है ना, यही समझा सकता हूँ। एक तो अगर ये पढ़ भी ले ना तो मैं आपको मान जाऊँ। मुझे बस की बात नहीं है, मैं बता रही। सीधा गुजर गंडासा गुजर वैशी गुजर वैशी गुजर ना ना गुजर द मैट्रिक्स में काम करके आई तुम दिल की धड़कन में रहते हो। कितने वर्ड हैं? वो फोर तुझे तुम आप तुम्हारा तुम्हारा आपका अच्छा चले चले सेकंड सेकंड गेस ओके नजर ढूंढ ढूंढ तुझे मेरी नजर ढूंढ रही है देख देख देखा ना देखा होगा हाँ देख ठीक है फिर जो पहला वाला वर्ड है वही थर्ड वर्ड है और चौथा वर्ड तुझे देखा तुझे चाहा चाहा क्या बात है बहुत अच्छा खेला आपने भी बहुत अच्छा खेला सर आपके गेस्ट सबसे अच्छे थे माशाल्लाह सबसे अच्छे लेकिन ये अवार्ड ऑस्कर हमें मिलना आपकी आपकी लेकिन नूर की एक्टिंग माशाल्लाह ठीक है और जितना इनको पता था तालियां हो जाए आज अवार्ड देके मुझे बहुत खुशी हुई अच्छा जी थैंक यू सो मच मोमिनाना आप हमारे पास आए मोमिनाना की शूट है थोड़ी देर में उन्होंने हमें टाइम दिया थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग यू आई ऑलवेज वांटेड टू ठीक है और आज मैं मिली और मैं बहुत 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 खुश हुई ठीक है एंड प्लीज आई वांट यू बोथ टू बी इन अ मूवी अगेन हम चाहते हैं ये लोग मूवी दोबारा करेंगे नहीं और सर थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खुशी हुई आपने हमारे गाने बर्दाश्त किए इसकी भी बहुत जी खुशी हुई और आपने इतना खूबसूरत हमें सुनाया अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे कामयाबी दे आप घर जाके पैनाडोल खाएंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दो हमारे मेहमान जो है वो रुखसत हो रहे हैं और बाकियों के साथ हमने अभी एक्टिविटीज कर ली है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तुम हंसती क्यों नहीं हो हंस रही है इस खूबसूरत से चेहरे पे ज़ूम करके ब्रेक लें वैसे ही हंसती रहो वेलकम बैक टू आवर ईद मिलन शो दो हमारे मेहमान चले गए थोड़े से हम अफसोस करें लेकिन ईद का यही नाम है मेहमान आते हैं जाते हैं घर वाले मेहमानों को तो हम अवॉइड भी कर रहे होते हैं ऐसा है कि नहीं है ना ज़्यादा ना आ जाएं मैं कहीं पे मैंने पढ़ा था बड़े मज़े का कि एक मिथ है एक कहावत है कि अगर आप अपने सबसे बुरे पजामे में और आपने तेल लगाया है तो आपके घर मेहमान जरूर आए ठीक है तो अगर आपको बहुत मेहमानों की याद आ रही हो तो बुरी हालत में तेल लगा ले आपके मेहमान आ जाएंगे लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहमान जितने ज्यादा आए आई लव मेहमान आई लव टू सर्व और वो जो टेबल लगाना सेटिंग और बचपन से ऐसी आदत थी अच्छा जब छोटी भी थी ना तो जब अगर घर में कोई रिश्तेदार आए हुए तो मैंने इतनी टेबलें सजानी है प्रॉपर टेबल लगी हो ट्रे पेश करने मुझे बहुत मजा आता है मेहमान नवाजी तो पूरे पाकिस्तान के रग रग में यू लाइक इट टू आई लव इट लेकिन बिन बुलाए मेहमानों का क्या होता है ऐसे कोई आज एक दिन लेकिन बिन बुलाए मेहमानों को आई थिंक आप मिलते ही नहीं है आप कहते हैं घर में नहीं है कभी आपकी बिट ने ऐसा किया मामा कह रही हूँ घर पे नहीं है
वो फोन पे अक्सर कहती है ना कि क्योंकि वो गेम खेल रही होती है, हाँ गेम खेल रही होती है ना, तो वो डिस्टर्ब होता है कोई फोन आए, तो फोन उठा के कहेंगे वो मामा सो रही है और मैं सामने बैठी हूँ। नहीं ये तो अच्छी बात है, ये तो शी इज ट्रेंड वेल माशाल्लाह, वरना मैंने तो इतनी दफा कहा मामा कहती थी ना घर पे जाकर मामा नहीं है ना, मामा कहती घर पे नहीं है, पीछे से ना यार आ जाओ वापस, ऐसे नहीं होता। अच्छा क्या फर्क है मतलब पहले ईद में, शादी के बाद ईद में, बेबी के साथ ईद में? बेबी के साथ जो मेरी इसके साथ सेकंड ईद है, जो फर्स्ट वाली थी बिकॉज ही इज अ चांद रातू बच्चा, ये चांद रात पे हो गया था, अभी आई एम वेरी एक्साइटेड, आई यू नो मेक कुर्ता, उनके कपड़े बनाना ना, इट्स ऑल अबाउट द किड्स नाउ, दिस इज व्हाट नो डैड इज वेल, यू नो कि वो ईद बच्चों की होती है, फिर वो ईद के यार हां बेटे को ये पहनाऊंगी वो पहनाऊंगी। अब हमारी शॉपिंग भी जो है ना पहले होती थी, हम एक खरीदते थे अपने लिए, अब सबसे पहले नजर पड़ती है बच्चों के लिए, और आप बच्चों के लिए जब शॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद पैसे नहीं बचते। हाँ दैट्स व्हाट हैपेंड, मेरे साथ भी होता है, मैं जाऊंगी मार्केट में और मुझे अपनी चीज लेनी होगी, अपनी चीज लेनी होगी, लेकिन वो आपके बच्चों की नजर आएगी और बच्चों की चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, वो आप ले लेंगे उसके बाद इतने बचते ही नहीं, फिर आप कहते हैं बच्चे पहने लेकिन कितने बच्चे आपके पास, इतनी क्यूट सी एक चीज को आप जैसा सजाएं जैसा उसको बनाएं, बड़े होके फिर मैं मम्मी को बहुत सारी तस्वीरें देके कहती हूँ मामा क्यों अपनी मर्जी के कपड़े खरीदती है, वो अपनी मर्जी का जूता पहनती है, हेयर बैंड तक अपनी मर्जी का लगता है, कोई मर्जी नहीं चलती है। सुनना ही सुनेंगे तो रोना पिटना शुरू हो जाता है कि नहीं मैंने पहनना ही नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी मर्जी से वो मेरा ख्याल में बहुत कम होगा कि उसने कपड़े पहने हो, हालांकि मैं अपनी मर्जी से ले आऊंगी, फिर उसको पता होता है कि ये मुझे यही पहनना है, एंड वो इतनी माशाल्लाह सेंस है उनको कि जूता भी यही पहनूंगी ये पहनूंगी, माशाल्लाह ब्लैक मेलर्स हैं, बहुत छोटा है और हमें पता होता है कि माँ बाप को और मतलब सबको रो के ब्लैक मेल करना है, तो मेरी बहन ऐसे कितना रोती हो बात बात पे, एंड शी यूज्ड टू गेट एवरीथिंग यू नो, उसका फायदा यही था बात बात पे, और एक नंबर की सुस्त इंसान, सुन रही है सुन रही है सुन कहते सुन सुस्त काम चोर ठीक है सना, ये बहन को बुलाना चाहिए सना, अब मैंने जब नायल पैदा हुआ ना आई वाज लाइक यार प्लीज 10-15 दिन पहले हो जाए, कैंसेरियन हो गया ना मसला हो जाएगा, एक भुगतरी हूँ ऑलरेडी, एंड उसकी थर्ड को होती है मेरी बहन की, इसकी 4th जुलाई को होती है, आई एम थर्ड जुलाई। ये मुझे बताया ना शादी से पहले क्या तासुरात होते थे, ज्यादा ईदी आती थी, ज्यादा पूछा जाता था, शादी के बाद चेंज हुआ कुछ? Not at all. It's still the same. You know, my mother-in-law gets me clothes for Eid, and you know, हर चीज वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। That's the reason कि चल रही है। अगर चेंज होता है ना, तो मुश्किल होती है। अच्छा, women do not accept the change that easily, you know. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, मतलब successful marriage की जो है ना, हमेशा थोड़े से हम serious note पे आएंगे। लोग कहते हैं सक्सेसफुल मैरिज क्या है, सक्सेसफुल मैरिज क्या है, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सक्सेसफुल मैरिज वो है जिसके अंदर दोनों पार्टीज हैप्पी हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में जिसके अंदर दोनों खुश नहीं है, दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज, सिर्फ उसको जोड़े रखना, देखिए दोनों को बहुत से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मुझे लगता है एक रिश्ते को चलाने के लिए जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा, बहुत से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और बर्दाश्त करते हैं, अब बर्दाश्त वो लोगों में बहुत कम हो गई है, कम हो गई है, अगर दोनों ही पार्टनर लड़ रहे हैं और बात ही नहीं मान रहे एक दूसरे की, तो वो फिर एक बुरा रिलेशन तुम्हारा जनाजा उठ जाए, डिवोर्स नहीं लेके आने बेचारी के ऊपर क्या क्या, मतलब स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, ठीक है, मतलब हम तो एम्पावर्ड हैं, इधर बैठे हम ये बातें कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन इस वक्त शो देख रही होंगी तो ये कह भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हैव एक्सपीरियंस एज वेल इन फेल्ड मैरिजेस, होता ये है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं ना तो वो चलती है ज्यादा, जब आप लव मैरिज करते हैं उसमें जरा प्रॉब्लम ये होती है, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, एंड देन अरेंज मैरिज में होता है यू कैन ब्लेम योर पेरेंट्स कि आपने कराई थी, अब जरा मुक्त एंड यू आर ऑलरेडी ये ये लव मैरिज में आपको मां बाप भी कहते हैं बेटा उन भगत ये बड़ी ना ये मैं कहती हूं हर चीज आप क्या कह रहे हैं ये शादी शादियों के बारे में, शादी हुई है आपकी? शादी मेरी बिल्कुल हो चुकी है माशाल्लाह से, आप क्या कहते हैं कैसी सक्सेसफुल? मेरी भी लव मैरिज ही है। अच्छा, तो मेरी तो अच्छी चल रही है। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? 3 साल हो गए।
तीन साल हुए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इतना ही कामयाब रखे आगे भी ये प्यार जो है लेकिन मैरिज ब्रेक में ले रही हूँ मैरिज एक इन्वेस्टमेंट है पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल काम पूरी जिंदगी की आपको वो जज्बात लाइव रखना वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट लाइव करना और अगर आप खुश नहीं है तो खुदा दा वास्ता ही खत्म करो खुदा दा वास्ता ही निकल आओ उन टैबूज में से जिंदगी आपकी है और आपको नहीं पता मैं मजीद सीरियस नहीं होंगी लेकिन आपको नहीं पता कि जो बच्चों के ऊपर असरात होते हैं एक फेल्ड मैरिज के जब वो साथ माँ बाप रहे कि चिक 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 सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग सो खुश रहें हैप्पी रहें थोड़ी सी जज्बाती गुफ्तगू होगी छोटी सी ब्रेक लेते ब्रेक के बाद गाने के बाद थैंक यू सो मच जी बहुत खूबसूरत गाना जबरदस्त बहुत टैलेंटेड हैं आप मेरी बहुत दुआएं आपके साथ आते हैं इंशाल्लाह बहुत आते उससे भी आता है और भी इनको काम इनको हम लेकिन जो आपका पहला ओपनिंग ट्रैक था ना वो बहुत ही अच्छा था बहुत अच्छा था अच्छा इनके सारे गाने मतलब सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे हैं और सब में गोरी गाना सुनते हैं बड़ा सब में गोरी हैं सब में ये गिला ना आपको ये गिला जो है ना ये हमारा बनानी पड़ेगी देसी देसी बनेगी देसी बच्ची को लेके बनानी पड़ेगी अच्छा गोरियों से मुझे याद है अभी हम एक फिर जज्बाती नोट पे जाएंगे लेकिन ये बनता है और ये होना भी चाहिए गोरियों से मुझे याद है कि दिनेश जमशेद साहब मतलब जन्नत पे सीख करें उनको जो है जब उनका गाना आया गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना जो सुनी सुनाई बात है मुझे पता नहीं है कि सच है कि नहीं है लेकिन ये मैंने सुना है तो आमना हक जो है उन्होंने उनसे गिला किया मतलब तो हमारे पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत रंगत है गंदुमी रंग है ज्यादा सांवली लड़कियां इतनी खूबसूरत है तो ये गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना ये क्यों ठीक है उसके बाद आया सांवली सलोनी
और क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशंस थी उनकी, क्या खूबसूरत जो है वो गाने थे। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैंने यहाँ पर इतनी लंबी बात की, जो मैं याद कर रही हूँ, इसका एक मकसद ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली ये जो मॉडर्न वाले बच्चे हैं, इनको लगता है अम्मा को एक सूट भिजवा दिया, अम्मा को ईदी भिजवा दी, अम्मा जी हेलो अकाउंट चेक कर लें, तो अम्मा को जो है बस वो पैसे शैसे चाहिए। अम्मियों को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। आपके दादा दादी को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ईद पे जाएं, उनके पास बैठें, उनके साथ खाने बनाएं, उनके लिए कुछ करें, उनके पास जाएं, उनके साथ बैठ के ईद मनाएं, और फिर ईद के बाद उन्हें भूल ना जाएं, वक्तन फवक्तन उन्हें याद करते रहें, क्योंकि ये एक गनीमत है, अल्लाह ताला का करम है आप पे, अगर आपके माँ बाप अभी भी आपके साथ हैं, आपका पूछते हैं, जो हम कहते हैं ना तंग कर रहे हैं, ये तंग करना या गुस्सा करना भी एक जो है ना अल्लाह मियाँ का करम है आप पे। जब वो नहीं होते ना तो ये जो डांट होती है ना वो आप बहुत मिस करते हैं, आप बहुत मिस करते हैं कि वो जो फोन कॉल आती थी ना कि वो आए, वो बहुत मिस करते हैं। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात, अच्छे नोट पर हम ख़त्म कर रहे हैं, ये माँ बाप ऐसे तोहफे होते हैं जो कुछ अरसे के लिए हमें अता किए गए होते हैं, हमेशा नहीं रहते हमारे पास। सारे रिश्ते मिल जाएंगे, सारी दौलत, आपको फेम सब मिल जाएगा, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो आप सिर्फ अकेले खाली, अंदर से खाली रह जाएंगे। तो प्लीज अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी इज्जत करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की, तालियां तो बजा ली सारों ने, अपनी अम्मा को अब्बा को कॉल करनी है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू लवली कपल, माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को और खुशियां दे और कामयाबी दे। बड़ा मजा आया आपके शो में, हम बिल्कुल भी बोर नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। और हमने बहुत नए गेम खेले। हाँ, ये तो है नए थे प्रॉमिस नए थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अपना बहुत सारे मेरे प्यारे ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ लेकर आए, थैंक यू मेरा प्यारा बैंड, थैंक यू सो मच, और मेरी पूरी टीम, सारे लोग जितनी इस टीम का हिस्सा है, शो का हिस्सा है, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक, और घर बैठे ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम यूं ही मिलते रहें, यूं ही खुशियां मनाते रहें यहाँ पर, और आज का जो है शो यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलकर एक दफा कहेंगे ईद मुबारक।